मनोज भाई की सौवें फिल्म बड़े पर्दे पास रिलीज हो गई। नाम तो सुना ही होगा, भैया जी। मनोज बाजपेयी जब भी बड़े पर्दे पे आते हैं धमाल करते हैं। इस बार भी उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल करने जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि भैया जी का जो किरदार है यानी मनोज बाजपेयी जी का, वो इतनी गहरी छाप छोड़ेगी भाई कि आप सिनेमा हॉल पे सीट पे बैठे हुए इधर उधर नहीं देख पाएंगे, केवल देखेंगे स्क्रीन पे। क्योंकि भौकाल जो इन्होंने मचाया है, जो आतंक इन्होंने काटा है, एकदम गड्ढा मचा दिया है। सीतामढ़ी पे आधारित एक फिल्म भैया जी एकदम धमाल मचा रही है। अगर पहले हाफ की बात करें तो फिल्म में कुछ अपने छोटे भाई और भैया जी की शादी को लेके कहानियां चलती हुई दिखेंगी आपको। वहाँ फैमिली का प्यार मोहब्बत वाला एक्शन दिखेगा। छोटे भाई और भाभी और भैया जी यानी मनोज भाई वाजपेयी के साथ गुत्थी भी आपको एकदम हंसाएगी और शायद आपको कनेक्ट कर पाएगी मिडिल क्लास से कि ऐसे ही आपके घर में होती है फिर। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब भैया जी की शादी की तैयारी उधर होती हो तो दिल्ली में उनके पढ़ने वाले छोटे भाई जो फिल्म में किरदार निभा रहे हैं वेदांत का लफड़ा हो जाता है एक बाहुबली एक दिल्ली के राजनीतिक ओहदे वाले के बेटे से, जिसमें मार पिटाई होती है भैया। फिर उसके बाद मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद जब एक खबर मनोज वाजपेयी को मिलती है तो भागते भागते जब दिल्ली आते हैं तो वहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। फिर वहां से आप जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है फिर वो आंखों में आंसू की तरह निकलना चालू हो जाता है। क्योंकि फिर यहाँ छोटे भाई बड़े भाई का कनेक्ट दिखता है, उसके बाद परिवार का प्यार, जहाँ खुशियां थी वहां मातम फैलता हुआ नजर आता है और जिंदा जला दिया जाता है। फिर भैया जी का गुस्सा भैया पावर में एकदम ऊपर हाई आसमान पे है। भैया जी हर फिल्म में आप देखेंगे, अरे भैया जी कौन है भैया जी, तो विपक्ष के पक्ष के जो पक्ष को विपक्ष में ला दे और विपक्ष को सत्ता में ला दे वही है भैया जी। कहे तो रॉबिन हुड के बाप है भैया जी, ऐसा कुछ आपको ट्रेलर मिलेगा। लेकिन कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है कि भैया जी के पिताजी जो श्री चरण थे वो एक समय के बहुत बड़े साहूकार और माफिया थे जिनके सामने सबकी चलती थी। लेकिन विचारधारा भैया जी यानी रामचरण जो मनोज का किरदार है अपने पिताजी से अलग था और वचन कितने पक्के थे। जब फावड़ा लेके निकलते थे तो कितने कुकर्मियों को संसार में से अलविदा कहलवा दिया और नजर झुक जाती थी। भैया जी का किरदार आपको सब कुछ दिखाएगा। लेकिन कसम खाने के बाद सौगंध खाने के बाद भैया जी ही अपनी गुंडागर्दी या कहें अपनी रॉबिन हुड वाली छवि छोड़ देते हैं। लेकिन भाई का एक्सीडेंट फिर इमोशन जगाता है और छोटी माँ के किरदार में और उनको प्रोत्साहित करती है कि आपको प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। इसमें आपको विलन के रोल में जतिन गोस्वामी भी बहुत कमाल की छाप छोड़ते हुए देखेंगे और भैया जी का साथ निभाने वाली एक्टर जोया भी अपने जादूगरी इससे सब इम्प्रेस किया। लग रहा था कि क्राफ्ट पे उन्होंने काम किया, अभिनय पे काम किया, कमाल का प्रदर्शन रहा भैया जी। पर्दे पे तो गदर मचाया। सेकंड हाफ तो और कमाल का था। भैया जी इस तरीके से बदला लेते हैं, अकेले लड़ते हैं सेनाओं से, भैया जी के साथ पूरा गांव आ जाता, बिल्कुल गदर मचा देता। जितना पर्दे पे आतंक मचाए तस्वीर भी देख रहे होंगे, फावड़ा से कहते हैं ना, पूरे कुकर्मियों को बाहर भेज देते हैं। वही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। फिर उदय भान से जब इनका पंगा होता है फिर घर में चढ़ के भैया जी एकदम दहाड़ते हैं। मनोज वाजपेयी एक एक बदला लेते हैं। आप जो पहले सुनते थे कि यूपी बिहार में होता था वो आप इस सिनेमा घर में इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और मनोज वाजपेयी की ये 100वीं फिल्म है तो आपको देखना चाहिए। मैंने इसीलिए इसको टीवी बंद कर दिया कि आपको ज्यादा सस्पेंस रहे, कि आप सिनेमा हॉल में जाएं और फिल्म का देखें, आनंद लें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रिव्यू में कैसा लगा और मूवी कैसी लगी। मनोज वाजपेयी की 100वीं फिल्म है तो भैया बधाई दो। और हर बार कमाल करता अपूर्व सिंह, जो सिर्फ एक बंदा वाली आपने वेब सीरीज देखी होगी, वो
फिर एक साथ मनोज वाजपेयी के साथ उतरे हैं, बिल्कुल न्याय किया किरदार के साथ, डायरेक्शन के साथ, एक्शन के साथ, स्टार कास्ट की बात करें तो कमाल का उन्होंने चुना गया इस फिल्म को, बहुत अच्छे से बनाई गई। पहली बार साउथ का अगर एक्शन वाले सीक्वेंस को देखेंगे बहुत अच्छे से उतारा गया है बॉलीवुड में। आई होप आपको पसंद आएगी मूवी। आपको ये मूवी कैसे लगेगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जल्दी नजदीकी आप घर में जाके सिनेमा देखिए और आपको इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी हो फीडबैक तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।